भाई आज का चैलेंज काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हम पूरे 24 घंटे इस सिनेमा हॉल में बिताने वाले हैं। ओ भाई ये कितना बड़ा है रे। बहुत बड़ा भाई। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो ये सिनेमा हॉल है ना वो यार कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर एक मूवी भी लगी हुई है लेकिन फिलहाल हमने पूरा 24 आवर्स के लिए बुक कर रखा है और 24 घंटे हम यहाँ पर ही रुकने वाले है। तो चलिए गाइस आपको अंदर से बताते हैं एक बार अच्छे से। ओए अंदर तो अंधेरा है भाई, कहाँ पर आ गए? अरे मूवी कौन सी लगी है? ये वाली मूवी लगी हुई है यहाँ पर, आप देखो गाइस ये वाली मूवी लगी हुई है लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, केवल हम चार बंदे ही यहाँ पर रुकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 24 घंटे तक हम यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। फाइनली गाइस जो हमारा चैलेंज है वो स्टार्ट हो चुका है और अब हम 24 घंटे तक इस खंडर सिनेमा हॉल में कैद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकी है ना यार, जो ये सिनेमा हॉल है वो दोस्तों काफी ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बाकी हम मूवी भी चलवाने वाले हैं और आराम से मूवी देखने वाले हैं भाई राजा महाराजों की तरह, क्योंकि हमने पूरा बुक करवा रखा है। ठीक है, ओए बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना गाइस? अब है ना हम इस गेट से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। ओए घूम ले एक बार। तो गाइस अब आपको है ना जो ये सिनेमा हॉल है वो अच्छे से बताते हैं। आ जाओ इसके अंदर गाइस, दो फ्लोर है, एक फ्लोर है नीचे जो फ्लोर हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई है ना सीटों की हालत क्या हो रखी है। ये है वेटिंग एरिया, यानी कि अगर अंदर कोई मूवी चल रही हो और जो अपने वाला शो है वो थोड़ा बाद में चलेगा तो हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो ये देखो भाई सीटों की हालत यहाँ पर क्या हो रखी है। ओए ये किचन है ना? ये सॉरी कैंटीन है, कैंटीन। ओए यार यहाँ पे लॉक लगा रखा है, इसको ओपन करवाना, पूरा बुक कर रखा है हमने। जल्दी फोन कर गाइस। यहाँ पे आप देखो इसके अंदर बहुत सारे वेफर्स है, इसके अंदर क्या है बे? ये तो पूरा खाली है। यहाँ पर आप देखो गाइस अभी इसको हम ओपन करवाएंगे और इसके अंदर है, ये है पॉपकॉर्न मशीन जो आप देखते हो ना पॉपकॉर्न, वो दोस्तों यहाँ पर बनते हैं, इसमें पॉपकॉर्न बनते हैं फिर आपको सर्व होते हैं। ये कितने रुपए के? 30 रुपए के पॉपकॉर्न हम आराम से फ्री में खाएंगे आज। इसके अलावा यहाँ पर ये है गाइस मेन एरिया जो हम आपको बाद में बताएंगे, इसके अलावा वो वाला एरिया भी बताएंगे जहां से मूवी चलती है, यानी कि जो प्रोजेक्टर होता है ना वो भी हम दोस्तों बताएंगे कि कहां से मूवी ऑपरेट होती है और किस तरीके से चलती है। तो गाइस इस वाले वीडियो में हम दो चैलेंज एक साथ करने वाले हैं। यहाँ पर किशोर 24 आवर्स इस डस्टबिन में बिताने वाला है और हम 24 आवर्स सिनेमा हॉल में बिताने वाला है। किशोर तैयार है डस्टबिन में जाने के लिए? यहाँ पे गाइस किशोर जा रहा है डस्टबिन में, पक्का डन है? 24 घंटे तो बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे गाइस किशोर जा रहा है डस्टबिन में, ये भी उतार ले वरना गंदा हो जाएगा। तो पूरा देख गाइस यहाँ पे आप देखो डस्टबिन की हालत देखो, अरे ची क्या हालत हो रखी है डस्टबिन की, जाने का जैसा लग रहा है। तू अभी तो जा, तू हट, मेरे को क्या पागल समझेगा? भाई ये जाने के लिए तैयार भी हो गया यहाँ पर, भाई पागल है ये, बिल्कुल पागल। बाकी यहाँ पर है ना अब, ओए कहाँ पे जा रहा है ये क्या लिखा हुआ है? अरे तो आज कौन है, अपन चार के अलावा कोई नहीं है। साले सूगले बाहर निकल सीधे। गाइस आज हम आपको बताएंगे कि जो सिनेमा हॉल है उसकी छत कैसी होती है। भाई ये काफी बड़ा होता है सिनेमा हॉल, तो इसकी छत भी हम देखेंगे कि कैसी होती है। यहाँ पे आप देखो ये एग्जॉस्ट लगा रखे हैं ताकि जो अंदर की गर्मी है ना उसको बाहर निकाल सके। ओ भाई साहब ये देखो, हम यार 24 घंटे के लिए यहाँ पर कैद हो चुके हैं तो हम टाइम पास के लिए यही करेंगे, एक एक कोना आज हम छान लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। गाइस फाइनली यहाँ पे आप देखो इस छत के ऊपर तो हम आ चुके हैं और इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। बाकी ये देखो आप सीन देखो, यहाँ से ये एसी लगा हुआ है, ये क्या है भाई? यहाँ पर आप देखो भाई जो ये सिनेमा हॉल है ना वो दोस्तों ऊपर से कैसा होता है भाई, कितना सारा तामझाम हो रखा है यहाँ पर, भयंकर सीन हो रखा है यार, भयंकर वाला। चलो इसको करते हैं बंद। किशोर ये तेरे कपड़े है क्या? सूखने दे इनको, बाद में लूंगा। गाइस ये किशोर के कपड़े है क्योंकि किशोर यहाँ पर वॉचमैन का काम करता है पार्ट टाइम, रात में जब हमारी वीडियो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना तब यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है फाइनली गाइस अब हम उस जगह जाने वाले हैं जहाँ से हम बैठ कर मूवी देखते हैं। ये कौन है? मॉडल है। नोरा फतेह की पिक्चर देखने आ जाओ भाई। अच्छा आज कौन सी मूवी देखेंगे? वो नोरा फतेह की पिक्चर का नाम मेरे को नहीं पता। अच्छा नोरा फतेह की मूवी है, तो गाइस आज हम मूवी देखेंगे साथ में और यहाँ पे आप देखो ये है हमारी सस्ती नोरा फतेह। इसके अलावा भाई साहब अंदर से देखिए आप, ओ भाई साहब कितनी सारी सीटें हैं और काफी ज्यादा पुराना है यार। गाइस ये अभी भी चलता है यहाँ पे आप देखो इसकी हालत, लेकिन भाई ये अभी भी चलता है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार हम 24 घंटे यहाँ पर करेंगे क्या? ओवर पीरियड देखेंगे हम
बहुत तेज हो रहे हो हैं। बाकी आप देख रहे हो ये कितना बड़ा है बे, बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने ना इनके ओनर से बात की थी, उन्होंने बोला था कि यार है ना ये एक टाइम में जो ये सिनेमा हॉल है वो अजमेर का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल और सबसे आलीशान सिनेमा हॉल था, लेकिन अभी तो यार बहुत सारे बन चुके हैं अजमेर में, यानी कि हमारी सिटी में बहुत सारे न्यू बन चुके हैं, तो यार इसकी वैल्यू पूरी खत्म हो चुकी है। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पर आप देखो ये कितना बड़ा है, इसके अंदर टोटल 6 गेट है। ये देखो गाइस यहाँ पर आप देखो 1 2 3, ये देख लो 3 गेट इस साइड में और 3 गेट उस साइड में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भाई ये कितना बड़ा था। इसमें 8 गेट है, एक गेट। अरे भाई हाँ, इनको तो गिनना भूल ही गए। यहाँ पर आप देखो गाइस 6 तो नीचे हो गए और 7 और 8, तो भाई इतनी सारी पब्लिक आती थी यहाँ पर। इधर देखो गाइस ये जो ऊपर वाली सीटिंग है ना, ये है वीआईपी के लिए, यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसा देता था वो दोस्तों यहाँ पर ऊपर बैठता था और जो कम पैसा देता था वो दोस्तों यहाँ पर आप देखो यहाँ पर नीचे बैठता था। नीचे भी बहुत सारी सीटिंग लगी हुई है और सामने की तरफ है गाइस ये पर्दा जिसके ऊपर आज हम मूवी देखेंगे। अब आपको दिखाई प्रोजेक्टर रूम, वहां पे आप देखो गाइस वो है प्रोजेक्टर रूम। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं प्रोजेक्टर रूम में। ये रहा प्रोजेक्टर रूम और यहाँ पर है फतेह सर जो कि है ना आज हमारे को पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो भाई ये लगा हुआ है इतना बड़ा प्रोजेक्टर। ये तो सर प्रोजेक्टर है, ये कितने लाख का होगा? तीन लाख से ऊपर का है। यहाँ पे आप देखो गाइस ये कितना बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं और इसी से मूवी चलती होगी। अच्छा, इस पे अपने कंटेंट डाउनलोड होते हैं। यहाँ पे आप देखो गाइस ये है पूरा साउंड सिस्टम जो कि यहाँ पे आप देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखा है। यहाँ पे आप देखो गाइस ये है पैनासोनिक कंपनी का प्रोजेक्टर जो कि आप देख सकते हो और कितना बड़ा प्रोजेक्टर है। और यहाँ पर जो इसका लेंस है ना वो देखो यार, ये रहा लेंस इसका, ये देख रहे होंगे आप, ये रहा इसका छोटा सा लेंस और जिससे जो मूवी है ना वो प्रोजेक्ट होती है सामने, जो बड़ा वाला पर्दा है ना वहां पे प्रोजेक्ट होती है। तो फाइनली गाइज हमने आपको बता दिया है कि जो प्रोजेक्शन रूम है वो कैसा होता है और यहाँ से हमने जो मूवी है वो भी चला दी है। यहाँ पर आप देखो भाई वो आपको स्क्रीन दिख रही होगी और जो ये प्रोजेक्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। गाइज आज हम कुछ भी चलवा रहे हैं, कुछ भी। ये क्या चल रहा है रे? गाइस जहाँ पर आप मोनू को देखो, मोनू को भाई वहां पे देखो पागलों की तरह डांस कर रहा है उस साइड में। सुनो सुनो हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है भाई, जल्दी दे, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं जा रहा है हाँ। बाहर जा रहा है हाँ, 5 जोलो चिप्स खाने पड़ेगी। 5 हाँ। 5 जोलो चिप्स। बैठ जा चुपचाप, यही बैठूंगा, यही मरूंगा, यही घटूंगा। 24 घंटे क्या 48 घंटे। गाइस ये चैलेंज भाई काफी ज्यादा हार्ड है क्योंकि है ना अभी से देखो ये बोर होने लग गए। चलो यार तुम्हारे एक फायदे की बात बताता हूँ, ठीक है ना? जल्दी बोल यार। हाँ, तेरी फेवरेट एक्टर कौन है? नोरा फतेह। तेरी? मेरी भी नोरा फतेह। तेरी? मेरी तो कोई नहीं है। तेरी कोई नहीं है? तो गाइस अभी है ना हम यहाँ पर नोरा फतेह की मूवी चलवाने वाले हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की मूवी चलने वाली है। है? तमीज से बोल, तेरी भाभी है, गर्लफ्रेंड मेरी है वो। ये बीच में कहाँ से आ गया? बीच में तू आ रहा है, बीच में निकल है ना ये। तेरे को ड्राइवर भी ना रखा वो, मेरी एक बार बोल दिया मेरे को नीचे फेंक दूंगा यहाँ से। एक मिनट रुक यार, मैं यही इसका केस खत्म कर देता हूं। खत्म कर, जल्दी कर, क्या करेगा? हेलो बेबी कहाँ हो? होटल में। वहाँ क्या कर रहा हूँ? अच्छा बात कर ले, तमीज से बोल, तमीज से नीचे उड़ा सा फिर लूंगा यहाँ से नीचे। बेबी है मेरी, बेबी वहाँ से निकल, जल्दी निकल। गाइस ये पागल हो चुके हैं। बाकी थोड़ी देर में जो हमारी फेवरेट इनकी फेवरेट एक्टर है उनकी मूवी चलने वाली है फाइनली यहाँ पर, तो आराम से मूवी देखेंगे। फाइनली गाइस जो मूवी है वो स्टार्ट हो चुकी है और यार 3 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी जो ये चैलेंज है वो भाई 24 घंटे का है। अब भूलो मत, अभी मुश्किल होने वाला है। अरे मैं गर्लफ्रेंड कब तक आएगी इसमें? तू पूछना तेरी गर्लफ्रेंड को, मुझे क्या पता भाई तेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी। अरे ओए मोनू ये आ गई तेरी नोरा फतेह, क्या कर रही है इतना गलत मेरे साथ? बहुत प्यार, कुछ प्यार भी हो गया, प्यार हो गया, तू गया तेरा पत्ता कट। फाइनली गाइज हमने कैंटीन ओपन करवा लिया, तो चलिए फटाफट से 5 पेटीज लेते हैं। और क्या लेगा? एक पानी की बोतल और गाइज 5 पेटीज लेते हैं। ये आ चुकी है फाइनली मेरी पेटीज। फाइनली गाइज जो नाश्ता है वो तो हो चुका है, लेकिन इनके पास में
खाने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल पेटीज है और कुछ भी नहीं। तो यार हम पेटीज तो खा के जिंदा नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमारे को खाने का जुगाड़ भी करना होगा। बाकी अभी तो देखो यार मूवीज देख रहे हैं। फाइनली गाइस जो मूवी है वो तो खत्म हो चुकी है और यार नींद आ रही है अब बंद करवा दी, क्योंकि जो आंखें ना वो दर्द कर रही है। ओए बंद करवा देते हैं, सो जाते हैं, बंद करवा दे भाई साहब, बंद कर दियो। ओ माय गॉड भाई साहब, मूवी वूवी सब खत्म। और भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी शाम के 5 बजे लगभग, और यहाँ पे मोनू सो रहा है, यहाँ पे भैया सो रहे हो, किशोर और दिनेश यहाँ पे सो रहे हैं भाई। हेलो भैया, क्या हुआ? अभी तो शाम के 5 बजे हैं। 5 ही बजे अभी तो 5 बजे हैं, क्या सर खुजा रहे हो? रात नहीं हुई? रात कहाँ हुई है, अभी तो टाइम है। अरे यार बोर हो गए बुरी तरीके से भाई। इस खंडर में 24 घंटे बिताना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कैसा लग रहा है? बिल्कुल हॉन्टेड लग रहा है यहाँ पर, आप देखो भाई कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ना बिल्कुल हॉन्टेड। ओ भाई भयंकर, पूरा ये खंडर हो चुका है और काफी भयानक लग रहा है अभी तो, और थोड़ी देर में रात होने वाली है। ओए रात में तो और भी ज्यादा भयानक लगेगा ये, तभी तो। अरे तू ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ। सलमान खान को मार रहा हूँ, इसके अंदर है वो। अच्छा इसमें नहीं है, सलमान खान मूवी में होता है। ओए सुनो यार कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है यार, भूख लग रही है यार कब से। तो गाइज अभी है ना हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, क्या खाओगे तुम? बर्गर। तो गाइज हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे बर्गर, और फिर देखते हैं कि जो बर्गर वाला है वो हमारे को यहाँ पर अपना ऑर्डर देता है या नहीं, ठीक है ना? तो फिलहाल फटाफट से ऑर्डर करते हैं। अरे भैया बर्गर आ गया हमारा, लेट हो यार, यहाँ पे क्या है और सन्नाटा आ रहा है बिल्कुल सुनसान। हम मैं ना यहाँ पर 24 घंटे के लिए रुकने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे है रात में, ठीक है? समझ गए आप? डरो मत। अरे नहीं नहीं डरने वाली बात नहीं यार, और करीबन 10 रुपए का टिकट था उस समय, इतनी भीड़ रहती थी, खूब पिक्चर देखी मैंने यहाँ पे, और उस समय के साथ साथ सब बदल गया। अभी तो पूरा खंडर हो गया, खंडर हो गया, खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं पड़ा अभी, अभी आने वाले टाइम में कुछ ही नहीं है, खत्म हो गया खेल इधर का। यहाँ पर गाय जाना पहले काफी ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा। यहाँ ब्लैकों में टिकट बिकते थे। अच्छा बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत ब्लैकों में टिकट थे, खूब लंबी लंबी लाइन लगी हुई, बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं नहीं है, खत्म हो गया। केवल 5 बंदे हम। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। भूख लगने लगी थी बैंक वाले यार, काफी ज्यादा तेज भूख लग रही थी भाई। अब जाकर अच्छा लग रहा है, कुछ खाया है अभी ना। यहाँ पर हम कुछ बनाने वाले थे, लेकिन यार हम सबको जोर आ रहा है, मतलब कि आलस आ रहा है, तो यार अभी हम नहीं बनाएंगे, सुबह बनाएंगे कुछ खाने के लिए। अभी फिलहाल इससे एक काम चला लेते हैं। फाइनली गाइस जो खाना पीना है वो तो हो चुका है कंप्लीट, अभी हमने खाया है बर्गर। ओए भूख तो नहीं लगेगी ना किसी को रात में? नहीं मेरे को तो नहीं लगेगी, तुझे लगेगी? मुझे तो खाना चाहिए इसका, देखो यार। अरे यार कोई नहीं ना, सुबह अपन मॉर्निंग में यहाँ पर बनाएंगे मैगी, ठीक है? यहाँ पर मैगी बनाएंगे सिनेमा हॉल में फर्स्ट टाइम, तेरे को ज्यादा खिलाएंगे, ठीक है? तो गाइज अभी तो यार हमने बर्गर ही खाया है नॉर्मली, और सुबह हम यहाँ पर मैगी बना लेंगे मस्त और आराम से खाएंगे। बाकी अभी हम क्या करें, कुछ गेम खेले, गेम खेलते हैं। तो गाइज अभी है ना हम खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक गेम, क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और जो है ना ये सिनेमा हॉल वो दोस्तों काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो यार हर जगह छुपने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, और हर जगह संभालने में भी काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो ये डिसाइड हो रहा है कि कौन ढूंढने वाला है, ठीक है ना? 1 2 3 सब सेम है वापस। अरे यार 1 2 3 मैं निकल गया, तुम तीनों यार ये निकल गया भाई, ये निकल गया, बच गया मैं तो, बच गया। 1 2 3 ये निकल गया गाइस, केवल अब है ना हम दोनों हैं, देखते हैं कि यार किसकी बारी आती है ढूंढने में, ठीक है? 1 2 3 अरे सेम सेम 1 2 3 सेम 1 2 3 सेम। ये तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो यार, एक तरह कर रहे हो, हटो। चल अपन स्टोन पेपर सीजर करते हैं, ओके? तुम दोनों स्टोन पेपर, ओके? स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। अबे साले वापस कर, वापस कर जल्दी, स्टोन पेपर सीजर वापस से यार, रुक जा इस बार वापस करेंगे, स्टोन पेपर सीजर। मैं जीत गया यार, अब तू ढूंढेगा यहाँ पर ये छुपने वाले हैं, तो देखना मैं ना 100 तक काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? सबके सब छुप जाना, ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरान में, 94 में,
छियानवे, सत्तानवे, अट्ठानवे, ओ भाई 99 और ये 100। तो फाइनली गाइस अब मैं ढूंढ लूंगा इनको, और फटाफट से ढूंढता हूँ यार, कहीं ना कहीं तो होंगे, मुझे पता है वो कहाँ पे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अभी ढूंढ लूंगा मैं इनको। बाकी गाइस रात भी हो चुकी है, ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो भाई, मैंने अभी तक आपको बाहर का माहौल नहीं दिखाया, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा है। जी हाँ, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। अरे बाथरूम चेक करो, बाथरूम बाथरूम चेक कर, जा 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 जा। भाई ये है बाथरूम जो कि हम चेक करते हैं, भाई कोई आउट ना कर दे मुझे। भाई यहाँ पर आप देखो, ये लड़कियों का बाथरूम है, और मम्मी ने मना किया है कि यार कभी भी लड़कियों के बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, संस्कार नाम की कोई चीज होती है। लेकिन अब क्या करूँ, किशोर इसके अंदर हो सकता है, तो ढूंढना तो पड़ेगा यार। अंदर जाओ, अंदर पहली बार लड़कियों के बाथरूम में जाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम ही है बस, चार बंदे तो आराम से ढूंढ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो यार, नहीं है किशोर, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है भाई। ये है नीचे वाला फ्लोर, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई पूरा खाली है, ये तो कोई नहीं है यार यहाँ पर। अच्छे से देख लेता हूँ भाई, टूट गई ये तो, टूट गई पागल, टूट गई, 1000 रुपये जरूर जुर्माना। यहाँ पर देखो गाय ये कितनी कमजोर है, टूट चुकी है यार, पूरा खंडर हो रखा है, देख रहे हो आप, ये टूट गई, मेरा पैर रखती है ना, ये अलग हो गई भाई। और यहाँ पर अब देख, अरे कूदती कूदती आइस वाइस ये कहाँ पे छुपा तू, दिख रहा था ऐसे कैसे दिख रहा था, मेरे को तो नहीं दिख रहा था कुछ भी गाइस, कहाँ छुपा, ये यहाँ पे छुपा, और देखो दिख गया है मेरे को फाइनली। ओए बाकी कहाँ पर, बाकी बताना मेरे को, क्या पता तू ढूंढ, अरे यार मैं थक जाऊंगा ऐसे ढूंढते ढूंढते, वो तेरी प्रॉब्लम है भाई। भाई अभी तक तो ये एक मिला है, और पता है अगली बार छेरा ही टर्न है, क्योंकि सबसे पहले तू मिला है, ठीक है। यहाँ पे भाई कितना खंडर बाथरूम है, देख लो आप गाइस कितना खंडर बाथरूम है। ओ भाई साहब इधर देखो, इधर देखो आप, ओ भाई यहाँ पे आप देखो इस बाथरूम की क्या हालत हो रखी है, पूरे जाने ही जाने है भाई, पूरे जाने ही जाने। अरे भाई साहब खतरनाक खंडर है ये तो, देखो पूरा पूरा खंडर यहाँ। किशोर कहाँ पर है, किशोर यहाँ पे एक ही गार्ड था, ये दो कुछ हो गए। हाँ यार गाइस यहाँ पर जो गार्ड था ना, वो एक ही सो रहा था नीचे, ये दो कैसे हो गए, ये थोड़ा गार्ड थोड़ा मोटा नहीं लग रहा है, तो भी लग रहा है। साथ में कौन सो रहा है गार्ड के साथ, भाई मेरे हिसाब से कोई अपना टीम मेंबर है। जूते पहन के कौन सोता है पागल बुद्धू। आई स्पाइस सरप्राइज, किसके साथ सो रहा है, यहाँ पर गाय जो वॉचमैन था उनके साथ में ये सो रहा था। फाइनली ये भी आउट हो चुका है, और अब केवल किशोर बाकी है गाइस, केवल किशोर बाकी। भैया को उठा दिया फालतू में, वो सो रहे थे बेचारे। किशोर नहीं मिल रहा है यार, ओए मदद करो ना यार। ओए ऊपर तो नहीं चला गया वो वापस? हाँ ऊपर जा सकता है यार, गाय ऊपर चलते हैं वापस, किशोर ऊपर जा सकता है इसको। तूने तो बाहर नहीं निकाला गया? नहीं मैं तुम्हारे साथ तो था यार, जब से ढूंढ रहा था। तूने तूने निकाला बाहर, चुगली खोर है ये तो। क्या चुगली खोर है भाई यार, यार कहाँ पे हो सकता है वो, इस मोनू ने बाहर निकाल दिया होगा या तो उसको। पता है मुझे तो कहाँ है वो, देख ले ये झूठ बोलता है। ये क्या है, आइस पाइस चीज उगले, कहाँ पर सो रहा है तू, गुटाइस गुटको, यहाँ पे देखो भाई सब गुटका थूकते हैं, और यहाँ पे ये सो रहा है, यहाँ पर एकदम साफ है, कहाँ पे ये साफ है, इधर है, इधर है, इधर है, ये साफ है गाइस, यहाँ पे देख लोग हैं, मैं इसके अंदर सो रहा था, इसके अंदर नीचे सुगले। गूगल टाइम क्या हुआ? The time is 2:23 AM. भाई रात की यहाँ पर आप देखो 2:23 हो चुके हैं, और अब सबकी हालत डाउन है।
और अभी तक तो यार हमारे चैलेंज को खत्म होने में काफी ज्यादा टाइम है, काफी ज्यादा टाइम है भाई। बोर हो चुके हैं हम भी सिनेमा हॉल से पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देखो किशोर वापस हो गया, रात हो रही है यार, सब सो रहे हैं, मैं भी सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, कैसे ना कैसे करके रात तो निकल गई गाइस। वो बहुत मुश्किल था यार, ये चैलेंज बहुत हार्ड है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड। आज तक इतने चैलेंज किए लेकिन इतना हार्ड तो कोई सा भी चैलेंज नहीं रहा। कमर दर्द करने लग गई गाइस, आप देख सकते हो कैसी सीटिंग है यहाँ की, बीच में ये और लगा हुआ है, सो भी नहीं सकते अच्छे से। चलो कैसे ना कैसे सुबह तो निकल गई, और ये इधर दिनेश सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है ये, और वो ऊपर मोनू सो रहा है, पता नहीं सब लोग अलग अलग जगह सो रहे हैं गाइस। चलो पूरा बुक है, तो कोई नीचे कोई ऊपर, जहाँ जिसको जगह मिल रही है ना वहाँ पर सो रहा है। और यार लेकिन अब मेरा हो रहा है पेट खराब, मैं सोच रहा हूँ फ्रेश होकर आ जाऊँगा। भाई सुबह हो चुकी है और रात हमारी कैसे निकली वो हमें बताया, ये रात तो निकल गई और अब लग रही है भूख। ओए किशोर कहाँ पर है यार, मैगी बनाता है गटर में है वो, तो यार गटर में है क्या वो, तो भाई अब हमें ही मैगी बनानी पड़ेगी, तो हम वहाँ पर जाएंगे, देख लो आप वहाँ पर चलेंगे नीचे आराम से मस्त बनाएंगे, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है ना। ओए प्रोजेक्टर भी स्टार्ट करवा देते हैं ना गाइस, प्रोजेक्टर स्टार्ट करवाएंगे और वहाँ पर मूवी देखते देखते हम खाना बनाएंगे अपने लिए, मैगी बनाएंगे। चलो तो भाई पानी हमने फिलहाल डाल दिया है और जो नूडल्स के पीस है वो भी डाल देते हैं। वो इसमें पानी और डाल यार, कम लग रहा है, कम है। अरे ऐसे थोड़ी बनाते मैगी पागल, तू आ गया? आ गया मैं, हाथ धो के आया? हाथ धो के आया मैं पक्का। अरे हाँ लक्स कोजिंग साबुन पड़ी अंदर, लक्स कोजिंग चड्डी होती है वो, लक्स 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 लक्स, इसको तोड़ के डाल यार जल्दी पकेगी। फाइनली गाइस जो हमारी मैगी है वो बनके तैयार हो चुकी है और अब खाते हैं कुछ, भयंकर वाली भूख लग रही थी यार, खतरनाक। बाकी यहाँ पर आप देखो हमने ना ये कुछ चला रखा है, सॉन्ग वगैरह ट्रेलर वगैरह, और जो स्पीकर है उनको करवा रखा है ऑफ, ताकि है ना आपको अच्छे से आवाज़ आए। गाइस आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 24 आवर्स का चैलेंज करना आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है यार, बोर हो रहे हम तो। आप सोच रहे होंगे कि हम मूवी देख रहे हैं, भाई हमारी आंखें दर्द करने लग गई, कब का वही चल रहा है वहाँ पर, स्क्रीन को देखते देखते हम हमारी आंखें दर्द करने लग गई। ओए किशोर क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं साफ सफाई कर रहा हूँ यार, ये हमारे दादा परदादा की एक निशानी है, यहाँ बैठ के मेरी दादी को प्रपोज किया था मेरे दादा ने यहाँ पर दोनों ने। अच्छा तुझे कैसे पता? मेरे को बताया मेरे दादा ने। तभी तेरी जैसी निकामी औलाद पैदा हुई पागल, मेरे पापा जैसी। भाई ये ना टाइम पास नहीं हो रहा है इनका, तो यहाँ पे आप देखो झाड़ू निकाल रहा है किशोर, झाड़ू बहुत हो गया, मैं कुर्सियाँ गिनूंगा, जाओ कुर्सियाँ गिन, तो यही कर। भाई बुरी तरीके से बोर हो रहे हैं हम, ये कब चैलेंज खत्म होगा रे यार। तो गाइस उनका तो टाइम पास नहीं हो रहा है और वो गिन रहे हैं चेयर, तब तक गाइस मैं आपको बताता हूँ सिनेमा हॉल का पीछे का रहस्य। भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक अब आने वाला है, आपको मजा आएगा यहाँ पर। आप देखो जो मैं आपको चीज बताऊंगा ना वो बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग और काफी ज्यादा डरावनी है। सबसे पहले आप देखो भाई किस जगह आ गए हम, देख रहे हो इधर आ, इधर आ भाई, अंदर से देखो आप, अंदर से यार ये किसकी मशीन है देख रहे हो आप, इतनी बड़ी मशीन है ये और पता नहीं किसकी है और किस काम में आती है। देखो ये यहाँ पे लगी हुई है और अंदर चलते हैं और आपको अंदर से बताते हैं। यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर ये देख लो आप भाई, क्या है ये भाई साहब, देखो तो सही कितना बड़ा है ये, काफी ज्यादा बड़ा और पता नहीं ये किस काम में आता है। अरे यार ये छोटा सा गेट कहाँ पे जाता है, ओपन करूं? करना भाई यहाँ पे देखो, ओ भाई साहब फाइनली गाइस यहाँ पर आप देखो यार हम आ चुके हैं पर्दे के पीछे और ये है कुछ नजारा पर्दे के पीछे का, देख रहे हो भाई कितना सारा साउंड सिस्टम लगा रखा है इन लोगों ने, ये देखो ये लगे हुए हैं बड़े बड़े स्पीकर, यहाँ पर आप देखो भाई उधर भी देखो भाई, वहां पर भी बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, ऊपर भी लगा हुआ है भाई, कितने सारे बड़े बड़े स्पीकर और देखो कितना डरावना लग रहा है। यह है पीछे का हिस्सा, खतरनाक पर्दे के पीछे है भी हम पर्दे के पीछे और काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है यहाँ से। तो भाई फाइनली गाइस जो हमारा 24 आवर्स का चैलेंज है वो होता है अब खत्म, बाहर की दुनिया देखने। भाई अंदर है ना भाई, काफी ज्यादा बोर हुआ है, आपको भी पता होगा यार
कितनी ज्यादा परेशानी हुई हमारे को यहाँ पर 24 घंटे बिताने में, लेकिन आपके भाई ने फाइनली इस चैलेंज को पूरा कर दिया है। कोई चल रहा बाहर। तो गाइस आपको क्या करना है यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करो, वीडियो को यार फटाफट से लाइक करो। पहले तो भाई फटाफट से लाइक करो भाई। रात में हमने क्या क्या मुसीबत सहन नहीं की, इतने ज्यादा परेशान हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जो ये चैलेंज है वो दोस्तों सक्सेसफुली पूरा होता है और आप जाएंगे बाहर। ये वही तो बहुत मौसम बढ़िया हो रहा है यार। गाइस वीडियो को लाइक करना है और यार आप चैनल बने हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फटाफट से 3 मिलियन कर दो गाइस।